उदाहरण 12। किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हल: दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए आवृत्ति से संचित आवृत्ति निकालनी होगी। इस तालिका में लड़कियों की ऊंचाई एवं लड़कियों की संख्या संचित बारंबारता प्रदर्शित है। यहाँ से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन है, जहाँ 140, 145, 150, 155, 160 वर्ग की ऊपरी सीमाएं हैं। हम जानते हैं कि दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों के मध्य का प्रेक्षण किसी वर्ग अंतराल में स्थित होगा। वह वर्ग अंतराल कैसे पता करें जिसमें मध्य प्रेक्षण स्थित है? इस तालिका में लड़कियों की ऊंचाई, लड़कियों की संख्या F और संचयी बारंबारता CF प्रदर्शित है। इस माध्यिका वर्ग मीडियन क्लास को निकालने के लिए हम सभी वर्गों की संचयी बारंबारताएं और N/2 ज्ञात करते हैं। अब हम वह वर्ग खोजते हैं जिसकी संचयी बारंबारता N/2 से अधिक या उससे निकटतम है। यहाँ N=30 है, यानी N/2=15 हुआ। अब 150 से 155 ही वह वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता 23 है, अर्थात 15 से ज़्यादा है। तो 15वां प्रेक्षण या माध्यिका 150 से 155 वर्ग में ही आएगा। अतः 150 से 155 माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग पता करने के बाद हम इस सूत्र का प्रयोग करके माध्यिका निकाल सकते हैं। माध्यिका बराबर L धन N/2 ऋण CF कोष्टक में बटा F गुणा H, जहां L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा N प्रेक्षणों कुल आवृत्ति की संख्या CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता F, यहाँ सूत्र में F जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, जबकि H जो है वह वर्गमाप
यह मानते हुए कि वर्गमाप बराबर है, एच जो है वर्गमाप है, अब एन बटा दो, हमारे पास एन बटा दो जो है वह 15 है, क्योंकि हमारे पास एन जो है 30 है, 30 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा, तो यहाँ एन बटा दो 15 है। एल जो है मध्य वर्ग की निम्न सीमा जो है हमारे पास 150 है। उसी तरह से सी एफ जो है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या संचयी बारंबारता, यहाँ सी एफ जो है माध्यिका वर्ग की से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो है वो है हमारे पास 14। उसी तरह से एफ जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो है 9 दिया हुआ है, एफ बराबर 9। और अंत में एच जो है वर्गमाप, यह मानते हुए कि वर्गमाप बराबर है, एच जो है हमारे पास 9 दिया है, 9 है। अब हम सूत्र माध्यिका का, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र में मान रखेंगे, माध्यिका बराबर एल 150 धन एन बटा दो 15 ऋण सी एफ, यहाँ हमारे पास 14 है, बटा एफ 9 और गुणा एच जो है हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे एच जो है हमारे पास 5 है, एच हमारे पास यहाँ पे एन बटा दो 15, एल 150, सी एफ 14, एफ 9 और एच बराबर 5। तो माध्यिका बराबर 150 धन 15 ऋण 14 बटा 9 गुणा 5। यहाँ पे हमने एल के स्थान पर, यहाँ पे एल के स्थान पर, यहाँ पे एल के स्थान पर हमने 150 लिया है, धन एन बटा दो 15 है, ऋण सी एफ जो है हमारे पास 14 बटा एफ जो है हमारे पास 9 और एच जो है 5 है, बराबर 150 धन 15 में से 14 गया तो 1 बटा 9 को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 बटा 9, बराबर 150 धन 5 बटा 9 का मान होगा 0.55 लगभग, तो इसका योग होगा 150.55 सेंटीमीटर। अतः लगभग आधी लड़कियों की ऊंचाई 150.55 सेंटीमीटर से कम है और शेष आधी लड़कियों की ऊंचाई 150.55 सेंटीमीटर से अधिक या उसके बराबर है। इसी प्रकार हम आंकड़ों को से अधिक के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, यह तालिका में दिखाया गया है। इसमें भी कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे 150 सेंटीमीटर से अधिक 16 लड़कियों की ऊंचाई है आदि।